जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, व्यक्ति अपने जीवन में सफल होने के लिए या अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर वो कोशिश करता है, हर वो काम करता है, हर तरह की मेहनत करता है, लेकिन कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती, भाग्य साथ नहीं देता। कभी कभी कोई ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं जो प्रतिकूल हो जाते हैं। इन कारणों के वजह से कभी कभी पीछे हट हो जाती है, उतनी सफलता नहीं मिल पाती जितनी मिलनी चाहिए। तो ऐसे भी ग्रहों के काफ़ी विधि विधान हैं कि जिनको करने से आप ग्रहों को शांत कर सकते हैं, अपने अनुकूल कर सकते हैं और अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कई एक दफ़े ऐसा होता है कि लोगों की हाय अला बला लग जाती है। कहीं कोई किसी ने क्रिया कर दी, कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका ऐसा कर दिया कि आपकी लाइफ में सब कुछ बराबर चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था और एकाएक कुछ ऐसी घटनाएं घटने लग गई कि जिससे जो प्रोग्रेस लाइफ में होनी चाहिए थी, जो प्रगति होनी चाहिए थी, वो प्रगति होना रुक गई। घर में कलेश होने लग गए, बिजनेस में पार्टनरशिप थी तो उसमें विवाद आने लग गए, नौकरी में साहब बिना मतलब आपसे रुष्ट होने लग गया, नाराज होने लग गया, बिना बात से आपसे काम बढ़वाने लग गया। ऐसी कई सारी चीज़ें जो एकदम से होने लग गई, जिसका आपको कोई एहसास ही नहीं था कि ये सारी चीज़ें क्यों होने लग गई। तो यदि ऐसी कोई चीज़ें आपके साथ में घटनाएं घट रही हैं कि जीवन एकदम सुचारू रूप से सुव्यवस्थित रूप से चल रहा था और एकदम से उसमें यदि कोई परिवर्तन आया है, तो समझ जाइए कि आपके ही किसी अंदर के व्यक्ति ने, आपके ही किसी ऐसे व्यक्ति ने कि जिससे आपकी सफलता देखी नहीं गई, हो सकता है उसने कोई तंत्र मंत्र या ऐसा कुछ किया हो। तो इसके लिए मैं आज आपको उपाय बताने वाला हूँ कि यदि ये इन उपायों को आप करते हैं तो आपके घर में ऐसी कोई भी यदि नेगेटिव शक्ति है तो वो चली जाएगी और आप अपने काम में फिर से सुचारू रूप से लग जाएंगे। आपका काम ऊपर से पहले जितना चल रहा था उससे भी बहुत अधिक, बहुत अच्छे से चलने लग जाएगा। आपको करना क्या है? पहले तो यदि आपको ऐसा लगता है तो आप 6 बड़े किले ले लीजिए, 6 बड़े साइज के लोहे के किले ले लीजिए और इन किलों को आप क्या करें, ये क्रिया आपको शनिवार के दिन करनी है या मंगलवार के दिन करनी है। इन 2 दिनों में से किसी भी एक दिन में आप इनको कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपके दरवाजे के दोनों तरफ आपको कील ठोंक देनी है और आपके घर के चारों कोनों में, आपका जो घर है उसके जो 4 कोने हैं, ऐसे चारों चार कोने में आपको कील ठोंक देनी है। ऐसा करने से क्या होगा कि कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। कोई भी किसी की भी नज़र, हाय, बद्दुआ या आपका कहीं ऐसी जगह पर पैर पड़ गया, ऐसी कोई चीज़ आपके साथ में आपके घर में एंटर नहीं हो पाएगी या स्वयं भी एंटर नहीं हो पाएगी। ये तो ये हुआ कि आपके घर में कोई चीज़ एंटर ना हो, लेकिन यदि पहले से आपके घर में कोई चीज़ है तो उसका क्या करेंगे? कीलन करने से तो वो चीज़ बंद गई, बाहर नहीं जाएगी। तो ये कीलन करने से पहले आप एक विधि करें। शनिवार या मंगलवार को आपको ये विधि करनी है और बहुत ज़रूरी हो तो फिर आप कभी भी कर लें, लेकिन शनिवार और मंगलवार को इस विधि को करेंगे तो इसके परिणाम आपको काफ़ी उत्कृष्ट देखने को मिलेंगे। आपको करना क्या है, 2 साबुत लौंग लें, यानी 1 लौंग का जोड़ा ले लें और आपके घर में जहाँ कहीं भी आप पैसा टका रखते हैं और जो पूजा का रूम है वहाँ से आप ऐसे सीधे हाथ में इसको ले लें और दीवार के कोने कोने से जैसे ऐसे लगाते हुए, इस तरह से आप आपके घर की हर एक दीवार पर लगाते हुए लेकर के आए इसको। ये क्रिया आप सुबह या शाम के समय कर सकते हैं। इसको लेकर के आए अपने घर के जो मुख्य चौखट है, दरवाज़ा है, वहाँ लेकर के आए और आपके घर के दरवाजे के दोनों तरफ बाहर की साइड में आप दिए जलाएं। देखिए, ध्यान दीजिए, चौखट के अंदर या चौखट पर नहीं, चौखट के बाहर, आपके घर के दरवाजे के बाहर आपको 2 दिए जलाने हैं। दोनों तरफ एक एक दिया आपको जलाना है।
दिया आप किसी भी तेल का जला सकते हैं, लेकिन सरसों और तिल का तेल का दिया अति उत्तम माना जाता है। तो ऐसे दो दिए आप जला लें। और ये जो लौंग आप लेकर के आए हैं, इन लौंगों को आप एक एक दोनों दिए में इस तरह से डाल दें कि ये लौंग दिए के साथ जल जाए, भस्म हो जाए। ऐसा करने से आपके घर में जो कोई भी नेगेटिविटी थी वो आपके घर के बाहर जो दिए जल रहे थे उसमें जलकर भस्म हो गई। अब आपके घर में इसके बाद कोई भी नेगेटिविटी नहीं रहेगी। इस क्रिया के तुरंत बाद आप अपने घर को किलन कर दें, तो घर से नेगेटिविटी भी चली गई और दूसरी नेगेटिविटी एंटर भी नहीं होगी। तो आपका जो कोई भी कामकाज था वो खूब धड़ल्ले से चलेगा, खूब मस्ती से चलेगा, और आपके घर में प्यार और विश्वास भी बहुत ही अच्छी तरीके से पनपेगा, बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।